फिरोजाबाद में आज चुनाव है और तमाम मतदाता मतदान करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आज धूप भी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि 1:30 बजे का लगभग समय हो चुका है, लेकिन मतदाता अभी भी लाइन में लगे हैं और धूप का कोई असर जो है यहाँ पर उनको देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार इन लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बावजूद भी आप बाहर निकले मतदान करने के लिए, क्या वजह है? अरे वो तो अपना मतदान है ही है ना, तो अपना मत है तो उसको करने आए अपना पूरा। कई लोग तो आज के दिन छुट्टी मनाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्या कहना चाहिए? वो उनकी इच्छा है, उनका मत है, लेकिन लोगों को निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप भी अपना कामकाज छोड़कर आए होंगे, दोपहर में धूप भी बहुत है, मतदान करने के लिए? सर आप कुछ कहना चाहेंगे, आज आप वोट भी करने जा रहे हैं? मेरा अधिकार है मतदान का, मुझे उस परिश्रम भी करना है, कष्ट उठाना है, जो भी झेलना है, जो मतदान केंद्र है उसको हमें पूरा करना है। धूप का कोई असर है नहीं मेरे ऊपर। और लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, आपसे भाई साहब बात करना चाहेंगे। धूप बहुत हो रही है, कोई असर नहीं है आप वोट करने? असर क्या, वोट तो डालना ही है, वोट तो डालना ही डालना है, जरूरी है वोट डालना, तो वोट तो बहुत जरूरी होता है, वोट डालना और डालना चाहिए वोट। आप भी वोट डालने आए हो, पहली बार है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर है, देखिए ये यहाँ पर वोट डालने आए हैं, कितना एक्साइटमेंट है आपको? 100% 100% बीजेपी। अच्छा सर आप भी आगे आइए, क्या मुद्दे लगता है आपको होने चाहिए आज के समय में? देखिए सर, आज के समय में जो हम लोगों के मेन मुद्दे हैं कि हमें देश के लिए और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रहना चाहिए। आज के समय में जो लोग आज वोटिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टी का दिन मना रहे हैं, उन सबसे अपील करना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल में एक बार आता है, इसको जरूर मनाएं और अपना मत का प्रयोग जरूर करें। अच्छा कहा, महिलाएं भी यहाँ पर कुछ हैं, एक बार कोशिश करेंगे महिलाओं से भी बातचीत करने की। लाइन में लगातार लगी हुई है, घर का सारा कामकाज जो है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, बाहर धूप बहुत है उसके बावजूद आप वोट करने आई, क्या कहना चाहेंगी? ये मेरा धर्म है, इसलिए आए हैं, कर्तव्य है ना ये वोट डालना। कैसे मुद्दे होने चाहिए महिलाओं से जुड़े हुए, आपको क्या लगता है प्रत्याशी किन मुद्दों को पूरा करे? महिलाओं की सुरक्षा, तमाम मुद्दे होते हैं। अच्छा ठीक है, आप वोट करने आई हैं, बाहर धूप भी बहुत है, कोई असर नहीं हो रहा है? हो रहा है तो क्या करें, वोट तो डालना ही है। वोट डालना है तो महिला सुरक्षा को लेकर कैसे, किस मुद्दों को लेकर आज वोट डालने आई हैं आप? बस मुद्दे सही है, मोदी जी को सबको देंगे वोट। अच्छा चलिए, तो फिरोजाबाद में धूप बहुत है लेकिन राजनीति का तापमान भी बढ़ा हुआ है, मतदाता भी जो है उनका जोश जो है वो हाई पर है, और उन सभी का ये कहना है कि धूप चाहे जितनी भी हो लेकिन लोगों को मतदान करने के लिए घर से ज़रूर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आज का दिन लोकतंत्र के लिए महापर्व का दिन है। फिरोजाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।